आज की क्लास में आप लोग आवाज़ वर्णन करना सीखेंगे कि आवाज़ वर्णन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले हमें सबसे छोटी आवाज़ संख्या का वर्ग लेकर देखना है। यदि सबसे छोटी संख्या का नहीं जाता है तो उसके क्रमशः आगे की संख्याओं को लिखते जाएंगे। देखिए सबसे छोटी आवाज़ संख्या हमारी दो है। पहले हम उसे देखेंगे दो से यह डिवाइड होता है या नहीं होता है। यदि डिवाइड हो जाता है तो हम दो का ही कहेंगे, अगर दो से डिवाइड होता है तो तीन का देखेंगे। देखिए दो का बारह में चला जाता है, दो छः बारह, बारह किया दो छः बारह कभी एक में जाता नहीं था, और फिर चार आठ बचा दो चौ को आठ, फिर से दो का चला जाएगा इसमें दो तीन छः दोनों चार, फिर से दो का चला जाएगा दो कम दो छः बारह, फिर से दो का चला जाएगा दो को सोलह, फिर दो का चला जाएगा दो सौ को आठ, फिर दो का चला जाएगा तो दो में चार, फिर दो का चला जाएगा दो एकम दो। इसी तरह हमें करना है। अब यहाँ पर लास्ट में लिख देना है 128 के हमें कौन कौन से आवाज़ संख्या प्राप्त की, तो दो बुढ़े दो बुढ़े दो बुढ़े दो बुढ़े दो बुढ़े दो बुढ़े दो लास्ट में लिखना है। इसी प्रकार आपको कैटेगरी में आवाज़ वर्णन हमें करना है, जैसे कोर्ट में नोट कर लेना है, फिर आपको करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यदि सब छोटी संख्या को नहीं जाता है तो क्रमशः हमें आगे की जो आवाज़ संख्या है उनको देखते हुए जाना है कि उन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमें बताया भी है, अगर सबसे छोटी संख्या हमने दो का दिया सबसे पहले, लेकिन दूसरी संख्या विभाजन नहीं है तो उसके आगे हम तीन देख लेंगे, तीन से अगर संख्या विभाजन नहीं है तो हम पाँच देख लेंगे। इसी प्रकार जो हमारे क्रमशः है संख्या है उनको देखते हुए जाएंगे और संख्या का डिवाइड होती है तो उसे कर देंगे।